हेलो पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपको बताने वाली हूँ, जो कि हर पेरेंट्स के लिए प्रॉब्लम है। और जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनके 5-6 साल के तक के बच्चे हैं, उनको कितनी प्रॉब्लम आ जाती है उन पेरेंट्स को रिगार्डिंग कि बच्चा अगर बीमार है और आप उन्हें रेगुलर मेडिसिन दे रहे हो, तो कुछ ना कुछ ऐसी कौन सी कमी पेरेंट्स के थ्रू रह जाती है जिसकी वजह से मेडिसिन बच्चों को देने के बावजूद भी बच्चे ठीक नहीं होते हैं। तो हम कहाँ पर मिस्टेक करते हैं, तो कुछ ऐसे ही पॉइंट्स जो मैं बताने वाली हूँ, जो कि पेरेंट्स की तरफ से रह जाते हैं, जो कि हमारे वीक पॉइंट होते हैं, जो कि हम अपने बच्चों के साथ फुलफिल नहीं करते, जिसकी वजह से मेडिसिन देने के बावजूद भी बच्चे ठीक नहीं हो पाते। देखिए, ऐसा नहीं होता कि हमारा बच्चा कभी बीमार ना पड़े। बच्चे तो बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, क्योंकि वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उतनी स्ट्रॉन्ग उनकी इम्यूनिटी नहीं होती है कि वो सर्वाइव कर पाए। तो बहुत जल्दी जल्दी जैसे ही सीजन चेंज होते हैं, बच्चे बीमार पड़ते हैं। तो बीमारी में हम कई बार ऐसा होता है, आपने चीज़ नोटिस करी होंगी, कुछ चीज़ों को आपने नोटिस किया होगा अपने बच्चों के साथ, स्पेशली जो 0 से 3 ईयर्स के बच्चे होते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है पेरेंट्स को, कि वो मेडिसिन देते हैं लेकिन मेडिसिन किस तरीके से दे रहे हैं और कोर्स पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे से वीक पॉइंट हैं जिनकी वजह से बच्चा जल्दी ठीक नहीं हो पाता। और शॉर्ट टाइम के लिए जैसे हमने उसे मेडिसिन खिलाई और बच्चा ठीक भी हो गया, और फिर हमने मेडिसिन कभी कभी हम बंद कर देती हैं, लेकिन बच्चा फिर से बीमार हो जाता है। तो ये होता है गलत तरीके से मेडिसिन बच्चे को देने पेरेंट्स के थ्रू। तो आपको क्या करना है, इन बातों को जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो बातें आपको ध्यान में रखनी है कि आपका बच्चा फटाफट से ठीक हो जाए और वो दोबारा से बीमार ना पड़े। देखिए, दोबारा का कहने का सेंस है कि बच्चा बीमार था, आपने मेडिसिन दी, उसे रिलैक्स मिल गया और हमने दवाई बंद कर दी, ठीक है कि बच्चा अब ठीक हो गया, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती हम करते हैं। तो यही सारी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले देखिए, अगर आपका बच्चा बीमार पड़ रहा है और बीमारी में आप डॉक्टर के पास गए, मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दी कि आपको ऐसे ऐसे अपने बच्चे को मेडिसिन देनी है, तो सबसे पहले आपको क्या बात में ध्यान में बात जो ध्यान में रखनी है, वो ये है कि अगर आपका कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, दवाई खा लेते हैं और थोड़ा सा पैनिक करते हैं वो, बट खा लेते हैं और आराम से उनको वो जल्दी से ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे नहीं खाते, तो ऐसे बच्चों के साथ आप क्या यूज़ कर सकते हैं, ड्रॉपर होते हैं, आप ड्रॉपर लीजिए, उससे आप अपने बच्चे को मेडिसिन दीजिए, ठीक है। तो ड्रॉपर से क्या हुआ, आप जो भी मेडिसिन है लिक्विड वाली, मोस्टली छोटे बच्चों के लिए ड्रॉपर आती है, लेकिन कुछ घुलने वाली भी आती हैं, तो ऐसे में दिक्कत हो जाती है, तो आप ड्रॉपर ले सकते हैं। साथ ही साथ जो इंजेक्शन जिससे लगता है, तो इस तरह से वो जो सिरंज होती हैं वो आप यूज़ कर लीजिए, जिससे कि इंजेक्शन बच्चे को दिया जाता है जिसमें सुई नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरह के आप सिरिंज यूज़ कर सकते हैं, उसमें ट्यूब में आप अच्छे से दवाई को फिल कर लें और उसके थ्रू भी आप अपने बच्चे को दवाई दे सकते हैं। जो बच्चे बहुत ज़्यादा मीन्स दवाई नहीं पीते हैं और सारी दवाई मुंह में से निकाल देते हैं, अंदर नहीं निकलते हैं, तो उनके साथ ये मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जिससे कि एक प्योर जो डॉक्टर ने उसको बताया है कि इतने टाइम का आप अपने बच्चे को मेडिसिन देना है अगर आपको ठीक करना है, तो ये मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि हम अपने बच्चे को जो भी मेडिसिन दे रहे हैं, कभी कभी हम भूल जाते हैं, उसको अच्छे से शेक नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप बच्चे को मेडिसिन दें, उसको अच्छे से शेक जरूर कर लें, हिला लें, जिससे कि पूरी दवाई अच्छे से मिक्सअप हो जाए और पूरी तरीके से बच्चे को वो फ़ायदा करे। जो भी आप डोज दे रहे हो वो अच्छी तरह से बच्चे को फ़ायदा करे, तो उसको जो भी डोज है, जो भी सिरप है, उसको अच्छे से आप शेक कर लें। शेक करने के बाद आप उसको अपने बच्चे को पिलाएं। तीसरा आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे को आप जब भी दवाई दे रहे हैं, तो आप उसे खाली पेट दीजिए, यानी जब बच्चे का खाली पेट हो, उसने बहुत ज़्यादा खाया ना हुआ हो या उसने खा लिया है, आपने उसे कुछ खिलाया है, तो कम से कम आधे घंटे बाद ही उसको दवाई दीजिए, ठीक है। खाने से या तो आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद, यानी आप बच्चे को खाली पेट दवाई दे सकते हो। अगर कोई ऐसी दवाई हो थोड़ी सी कुछ, जो कि डॉक्टर ने स्पेशली बोला हो कि ये बच्चे को खाने के बाद दीजिएगा, तो उसको आप खाने के बाद दीजिए, लेकिन थोड़ा टाइम बाद। नहीं तो अगर आप अपने बच्चे को खाली पेट दे सकते हो, उससे क्या होता है कि आप अपने बच्चे को जो भी दवाई पिलाओगे वो पेट के अंदर जाएगी आराम से। अगर बच्चे को वॉमिट भी आ रही है,
ठीक है, तो जो खाना बच्चा ने खाया वो बच्चे का नहीं निकलेगा, बच्चे के नाक और गला चौक नहीं होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम बच्चे को खाने के बाद ही दवाई दे देते हैं, जिससे क्या होता है बच्चा ने जो कुछ भी खाया वो सारा इमिडिएटली वो स्पिटअप कर देता है बाहर, बच्चे का नोज़ और गला बुरी तरह से चौक हो जाता है और बच्चा सांस लेने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, दम घुट जाती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि बच्चा का पेट खाली हो और आराम से बच्चे को जो दवाई है वो अच्छे से लग जाए, एब्जॉर्ब हो जाए और जल्दी से वो फ़ायदा करेगी। खाली पेट में दवाई बहुत जल्दी से फ़ायदा करेगी, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। चौथी बात आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि हम क्या करते हैं। देखिए, डॉक्टर ने हमें जो दवाई दी वो दवाई हम अपने बच्चे को दे रहे हैं, लेकिन हमने एक जो डॉक्टर ने जो टाइम टेबल सेट करके हमें दिया, जैसे ये सुबह देनी है, ये दोपहर को देनी है, ये शाम को देनी है और ये आपको रात को देनी है, तो वो टाइम पीरियड होता है, जैसे 3 आवर्स का टाइम है या 4 आवर्स का टाइम है या 5 आवर्स का है कि आपको ये 4 घंटे बाद देनी है, 5 घंटे बाद देनी है, तो वो टाइम जरूर सेट होना चाहिए। अगर आप कोई दवाई, मान लो आपको अपने बच्चे को 5-5 घंटे के अंतराल में देनी है और आपका मन कर रहा है तो आप कभी उसे 2 घंटे बाद ही दे रहे हैं, कभी आप दे रहे हैं 3 घंटे बाद, कभी 4 घंटे बाद, अगर आप इस तरीके से आप अपने बच्चे को दवाई दोगे तो वो दवाई बच्चे को नहीं लगेगी, वो बल्कि गलत रहेगी बच्चे के लिए। इस तरह से आप चाहते हैं कि सही मायने में आपका बच्चा जल्दी से रिकवर करे। आप अगर पहले दिन ही बच्चे को सही सही टाइम पर सही सही डोज दे देते हो बच्चे को दवाई की, तो आप देखोगे, नोटिस करोगे, डे 1 में ही आपके बच्चे में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देगा। जो भी हेल्थ इशू है, फीवर है, कफिंग है, XYZ, जो भी बच्चे की हेल्थ इशू है उससे रिलेटेड अगर आपने सही सही डोज बच्चे को सही सही टाइम पे दी है तो बच्चा जल्दी से रिकवर कर लेगा। तो ये भी बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है, कि आपको एक सही टाइम पीरियड पे ही बच्चे को दवाई देनी है, कि 5-5 घंटे बाद ही है तो 5-5 घंटे बाद ही देना है, जो भी टाइम टेबल आपका डॉक्टर आपको सेट करके देती है। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो कि है कि हम क्या करते हैं कि बच्चा कि जो भी दवाई दी है, चाहे 4 डेज़ की है या 5 डेज़ की है या 3 डेज़ की है, कोर्स ज़रूर पूरा करें। हम क्या करते हैं, जैसे डे 1 में बच्चे को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मिल गया और बच्चा दवाई खा, जैसे एक दिन उसने खा ली जैसे तैसे करके हमने उसको खिला दी और उसको इम्प्रूवमेंट मिल गया, तो बच्चा नेक्स्ट दवाई खाने में तो कभी इंटरेस्ट होते ही नहीं, तो पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि हाँ ठीक हो गया है, इम्प्रूवमेंट है, फीवर नहीं है, खांसी नहीं है, ठीक हो जाएगा, नहीं खा रहा तो इट्स ओके। तो हम क्या करते हैं, कोर्स इनकम्प्लीट छोड़ देती हैं। जो डोज होती है, जैसे जो कम्प्लीट एक सीरप है वो हमें देनी है, जो भी टैबलेट्स हैं, अगर 5 डेज़ का है तो आप कम्प्लीट 5 डेज़ आप अपने बच्चे को वो मेडिसिन दीजिए। अगर आपने उसमें से डे 1 की भी मिस कर दी या छोड़ दी, तो उससे क्या होता है कि बच्चा फिर उसके चांसेस हो जाते हैं बीमार होने के जल्दी से उसी बीमारी से रिलेटेड। अगर उसकी एक भी डोज मिस हो जाती है या आपने जो भी 4-5 दिन में से 1 या 2 दिन आप मिस कर देते हैं, तो बच्चा ठीक तो हो जाएगा उस टाइम, लेकिन शॉर्ट टाइम बाद, थोड़े से ही टाइम पीरियड बाद ही, कुछ दिनों बाद आपका बच्चा फिर से बीमार पड़ेगा। फिर जब बीमार पड़ेगा वो थोड़ा सा और ज़्यादा तरीके से बीमार होगा, मीन्स और कंडीशन ख़राब हो जाएगी, तब डॉक्टर उसके लिए फिर और हैवी डोजेस बच्चे के लिए लिखेंगे। उस टाइम तो वो उस अगर आप कंप्लीट वो बच्चों को कोर्स करा देते तो वो उससे फुली एंड फिट हो जाता, उतनी दिक्कत नहीं रहती। लेकिन अब जब नेक्स्ट टाइम, क्योंकि वो चीज़ बच्चे की ठीक हो नहीं पाई, वो अंदर ही रह गई, दबी रह गई, वो ठीक से निकली नहीं, ठीक से रिकवर नहीं हुई, आपने डोज अनफिनिश्ड रहने दिया, कंप्लीट नहीं कराया, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, उसको रिकवर करने के लिए डॉक्टर को और ज़्यादा हैवी मेडिसिन या ट्रीटमेंट या फिर एक्स्ट्रा कुछ मेडिसिन देनी पड़ेंगी, जो कि बच्चे के लिए और ज़्यादा बस पैनिक होगी, आपके लिए सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि बच्चे छोटे बच्चे मेडिसिन नहीं खाते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब एक ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर बच्चा दवाई नहीं खा रहा है तो हम उसे किस तरीके से खिलाएं। तो जैसा कि मैंने बताया, आप जो खाली ट्यूब होती है जिससे इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में, जिसमें सुई नहीं होती, वो आप ट्यूब ले लीजिए और ड्रॉपर ले लीजिए, ड्रॉपर से पिला दीजिए। साथ ही साथ अगर टेस्ट में बहुत ज़्यादा कड़वी है दवाई, बच्चा नहीं खा रहा, तो आप उसको जूस के साथ या फिर हनी के साथ दे सकते हैं। हनी सबसे अच्छा है, नुकसान भी नहीं करता, हनी हो हनी में मिलाकर आप बच्चे को वो दे सकते हैं प्यार प्यार से, आराम से। तो इस तरीके से भी आप अपने बच्चे को मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन कैसे भी करके बच्चे को मेडिसिन खिलाइए और कंप्लीट कोर्स कराइए। आप देखिए आपका बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होता है, आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मैम मैंने बच्चे को दवाई खिला भी रही हूँ, बच्चा मीन्स ठीक नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं कि ये कोर्स कंप्लीट नहीं होने देते, सही टाइम पर नहीं देते। और एक और बात, क्वांटिटी
क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है बच्चे को इसमें, मीन्स बच्चे को अगर बीमारी है, कोई भी तकलीफ़ है, तो आप सही मात्रा में उसे डोज़ नहीं दे रहे हो। जैसे कि अगर आपके बच्चे को 5 ml बताया और आपने उसमें से थोड़ी भी कम कर दी तो उतना असर नहीं होगा। अगर 5 ml है तो आपको 5 ml ही बच्चे को देनी है, ज़्यादा आपको नहीं करनी, ज़्यादा बच्चे के लिए नुकसान करेगी कि आप 5 ml की जगह 6 ml दे रहे हो और थोड़ी सी और बढ़ा दी डोज़। नहीं, क्वांटिटी जितनी है 5 ml 2.5 ml उतना ही आपको देना है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप सही मात्रा में अपने बच्चे को दवाई दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो इन बातों को अगर आप ध्यान में रखोगे, कोर्स कंप्लीट कराओगे, सही मात्रा में दवाई दोगे, तो आप देखिए आपका बच्चा बहुत जल्दी सही हो जाएगा और फिर जल्दी से वो बीमारी उसको नहीं लगेगी, चाहे वो कोल्ड हो चाहे फीवर हो, अगर आप बच्चे का डोज़ कंप्लीट कराते हैं। तो माय डियर पेरेंट्स, अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा चैनल को और कमेंट करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो मिलती है नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।